दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पंकज विद यू। बिग बैश लीग 2020-21 का 4400 मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हिट के बीच में खेला जाने वाला है, यानी कि ये जो मुकाबला है बल्लेबाजों के बीच का मुकाबला है। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक विध्वंसक बल्लेबाज मौजूद है, इसलिए इस मुकाबले में हमें चौकों और छक्कों की सुनामी देखने को मिल सकती है। ऐसे में काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये, तो आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। साथ ही साथ हम आपको इस मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी पिक भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये छोटा सा ऐड देखिए। यकीन मानिए, इस ऐप का इस्तेमाल मैं खुद कर रहा और आपको 1500 रुपए का बोनस मिलना तय है। मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि मुझे क्रिकेट देखना और उसका एनालिसिस करना कितना ज्यादा पसंद है, और हाल ही में मैं माय 11 सर्कल नाम का एक बेहतरीन ऐप पाया। इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें हम सच में सौरभ गांगुली, शेन वॉटसन और आसिफ खान जैसे चैंपियंस के साथ खेल सकते हैं और उनके साथ हेड टू हेड खेलने का मौका पा सकते हैं। आपको बता दें कि माय 11 सर्कल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलना सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बस दोनों विरोधी टीमों में से अपनी 11 चुननी है और अपनी टीम बना लेनी है। इतने लंबे समय के बाद भारत में ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला है और माय 11 सर्कल पर हमें अपने ही दिग्गज कप्तान सौरभ गांगुली के साथ खेलने का मौका मिलेगा। यदि आप दादा की टीम को हराते हैं तो आप 3 गुना ज्यादा कैश जीत सकते हैं। सच में सोचिए जरा कितना मजा आएगा जब आप दादा की टीम को हराएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश T20 लीग भी खेल सकते हैं और 3 गुना कैश जीत सकते हैं। माय 11 सर्कल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जीता हुआ कैश सीधे आपके खाते में आता है और ये सच में बहुत ही ज्यादा सिक्योर ऐप है। यहां पर कुछ विजेता ऐसे भी हैं जो कि हाल ही में माय 11 सर्कल पर करोड़पति बने, जैसे कि कोलकाता के तूफान बोस और पटना के प्रियरंजन। तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करें और माय 11 सर्कल पर अपनी टीम बनाएं। इसके अलावा अपने पहले डिपॉजिट पर 1500 रुपए का बोनस प्राप्त करें। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। थैंक यू। अब मैच की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है MCG में खेला जाने वाला है और अब तक यहाँ पर इस बिग बैश के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से एक बार पहले बैटिंग करने वाली वही एक बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन ज्यादातर मौकों पर यही देखा गया है कि MCG पर पहले बैटिंग करना सही रहता है, इसलिए इस मुकाबले में भी पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस मुकाबले में बल्लेबाजों के साथ साथ थोड़ा बहुत गेंदबाजों का भी बोलबाला रह सकता है, इसलिए आपको 170 से 180 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है और इसी से काम चलाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की। तो पर्थ स्कॉचर्स की टीम इस बिग बैश में 10 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से उन्हें 5 में जीत और 4 में हार मिली है। ये पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर बने हुए हैं और ये मुकाबला जीतकर टॉप 4 में आने के इरादे से उतरेंगे। पर्थ स्कॉचर्स की ताकत है इनकी बल्लेबाजी। इनका टॉप ऑर्डर इस समय बहुत ही प्रेजेंट फॉर्म में है। जेसन रॉय और कॉलिन मुनरो तो पहले से ही रन बना रहे थे और अब तो लियम लिविंगस्टोन भी फॉर्म में आ चुके हैं और जमकर रन बरसा रहे हैं। पर्थ स्कॉचर्स के लिए बुरी बात तो यह है कि इनका मिडिल ऑर्डर कुछ खास फॉर्म में नहीं है, इसलिए अगर इनका टॉप ऑर्डर सस्ते में निपट जाता है तो इनकी टीम भी सस्ते में निपट जाएगी। बात कीजिए अगर इनकी गेंदबाजी की तो इनके पास जॉय रिचर्डसन, जेसन बैंड्रॉप और एंड्रू टाई जैसे हथियार भी मौजूद हैं जो कि फॉर्म में भी हैं और MCG के मैदान पर अपने विरोधियों को परेशान करने की क्षमता भी रखते हैं। अब बात करते हैं ब्रिस्बेन हिट की। तो ब्रिस्बेन हिट की टीम इस टूर्नामेंट में 10 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें से इन्हें 5 में जीत और 5 में हार मिली है और ये पॉइंट्स टेबल पर 6 नंबर पर बने हुए हैं और ये मुकाबला जीतकर ये भी टॉप 4 में आने के इरादे से उतरेंगे। पर्थ स्कॉचर्स की तरह ही ब्रिस्बेन हिट की ताकत है इनकी डीप और मजबूत बल्लेबाजी। इनके पास भी एक से बढ़कर एक विध्वंसक बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि क्रिस लिन को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज कंसिस्टेंसी के साथ रन नहीं बना पा रहा है। बस वही एक है जो कि बैक टू बैक अर्धशतक लगा रहे हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में जॉय बर्न्स और जॉय डेनली ने 30+ रनों की इंपॉर्टेंट पारियां जरूर खेली थी, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उस फॉर्म को ये यहां पर कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। पार्ट ऑफ दिस, मैक्स ब्रांड के बल्ले से भी बड़ी पारी के आसार नजर आ रहे हैं। बात कीजिए अगर इनकी गेंदबाजी की तो इनके गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट के दौरान अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। जेवियर बेलनेट, जैक विडरमोथ, मुजीबुर रहमान और मार्क स्टेकटी जैसे इनफॉर्म गेंदबाजों की मौजूदगी इस मुकाबले में विरोधियों का दिल दहला सकती है। अब बात करते हैं हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 13 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 6 बार पर्थ को जीत मिली है, वहीं 7 बार ब्रिस्बेन हिट ने जीत हासिल की है। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो ये हमने स्क्रीन को ऑन कर लिया है, माय 11 सर्कल का मैं यूज कर रहा हूं, आप भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मेरे अगर लिंक से आप डाउनलोड करते हैं तो आपको 1500 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। सबसे पहले हमें विकेट कीपर सेलेक्ट करना है, तो जॉस इंग्लिश को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। जिमी पियर्सन के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन वो काफी नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ जॉस इंग्लिश को लिया है। उनकी जगह मैं किसी अच्छे बल्लेबाज को ले लूंगा जो कि ऊपर बैटिंग करता है, जैसे कि क्रिस लिन, मैक्स ब्रांड। मैक्स ब्रांड बहुत दिनों से कुछ खास रन नहीं बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इस मुकाबले में बना सकते हैं। क्रिस लिन लगातार रन बना रहे हैं तो उन्हें लेना ही लेना है। जेसन रॉय इस मुकाबले में परफॉर्म कर सकते हैं और कॉलिन मुनरो भी इस वक्त बहुत ही प्रचंड फॉर्म में है,
लगातार 30 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं और हो सकता है बड़ी पारियां भी खेल जाएं। तो इन चार बल्लेबाजों को मैंने अपनी टीम में पिक किया है और मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो मैं टीम बता रहा हूं ये स्मॉल लीग्स के लिए है, हेड टू हेड के लिए है, नॉट फॉर ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो ध्यान देना कि ये जो टीम है ये हेड टू हेड के लिए और स्मॉल लीग्स के लिए है। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो जैक वेडरमुट और लियम लिविंगस्टोन को मैंने यहाँ पर ले रखा है। लगातार लियम लिविंगस्टोन रन बना रहे हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। बॉलर्स की बात की जाए तो जॉय रिचर्डसन, मार्क स्टैकिटी, मुजीबुर रहमान और एंड्रू टाई को मैंने लिया है। तीन फास्ट बॉलर को लिया है, एमसीजी के ग्राउंड पर ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को ही विकेट मिलता है तो इसलिए मैंने लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो क्रिस लिन को मैंने कैप्टन बनाया है और वाइस कैप्टन जॉय रिचर्डसन को मैंने बनाया है। आपके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं कि कौन सी टीम इस मुकाबले में दमदार साबित हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिकेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार पर्थ स्कॉचर्स की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। जी हां, अगर आपको भी लगता है कि ये मैच पर्थ स्कॉचर्स जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि ब्रिस्बेन हिट ये मुकाबला जीत सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।